नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आर्टिस्टिक फैमिली में। हेलो भैया दिया रहे। हेलो गाइस, तो ये आज हमारा ट्राईपॉड आ गया है, वो भैया दे करके गए हैं। अभी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, इसको हम जब खोलेंगे तो हम आपसे उसका वीडियो भी शेयर करेंगे। तो हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमको काफ़ी ज़रूरत होती है इसकी, तो इसलिए हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी इसकी। ये आज आ गया है, हमारा पुराना ट्राईपॉड टूट गया था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं डला हुआ है। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं हम आपसे शेयर करेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। ये अभी ऑफर चल रहा था तो हमको मिल गया है ऑफर में। ट्राइपॉड कैसा है और इसका यूजर्स कैसे है वो हम बताएंगे आपको। गाइस तो देखिए, ये हमने हमारा ट्राईपॉड एक जो था पहले टूट चुका था, तो हमने नया ट्राईपॉड लेकर के आए हैं। इन्हें ऑनलाइन बुलवाया है हमने। ये ओसाका का है, 550 मॉडल है, बहुत ही यानी लाइट वेट ट्राईपॉड है और हाइट हाइट अच्छी है इसकी। अभी खोल के दिखाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, ये कैमरा में भी काम आ जाएगा और मोबाइल में भी काम आ जाएगा, दोनों में काम आ जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अटैच करके और मोबाइल भी। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं और इसका प्राइस भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में कितने का हमको पड़ा था। ये हमारा बॉक्स है, उसके अंदर ये एक बैग आया है, टांग करके आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं इसको ऐसा पीठ पे। तो सबसे पहले ये निकला है इसमें एक मोबाइल अटैच करने के लिए ये क्लिप। इसमें दो चीज निकली है, देखते हैं क्या क्या है। एक तो ये अपना जो ट्राईपॉड है, ये अभी इसका नॉर्मल उस पर है, ये खड़ा नहीं करा है, इसको और खोलेंगे तो और हाइट इसकी बढ़ जाएगी। तो इसमें कुछ फंक्शन है, ये जो हमारी जो क्लिप निकली थी, ये मोबाइल इसमें अटैच करते हैं, ये क्लिप जो है ये यहाँ पे लगती है और यहाँ पे जैसे ये क्लिप हमने निकाल दिया, यहाँ पे कैमरा भी अटैच हो जाता है उसके लिए, ये रहता है। जैसे ये जो एक क्लिप दी है इनने, इसको साइड करके ये जो चीज़ है ये निकल जाती है ईजिली। ये देखिए, अब कैमरा का जो बॉडी रहता है यहाँ पे अटैच हो जाता है इसमें, यहाँ पे इसको ऐसे करके अटैच करके ये क्लिप को बंद कर देंगे तो हो जाएगा। अभी हम मोबाइल लगाए हैं तो मोबाइल में हमको ये चीज़ लगाना जरूरी है, इसी में मोबाइल अटैच होगा। ये हमने लगा दिया, उसके बाद जो हमारी ये जो क्लिप है, ये क्लिप को हम ये स्क्रू दिया है, स्क्रू से हम यहाँ पे ये इसको हम कस देंगे, कस के इसको हमने फ्रंट में लेकर के आ गए, इसको बढ़िया टाइट कसें क्योंकि इसी पे हमारा मोबाइल लगेगा। अब मोबाइल कैसे लगाना है, ये एक जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ नीचे का दिखाना, ये दोनों पार्ट को ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा ऊपर गया। और जैसे आप मोबाइल लगा रहे हैं तो जस्ट हमको ये क्लिप को दबाना है और ये मोबाइल हमारा लग जाएगा। एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें कि यहाँ पे मोबाइल लग रहा है ना, यहाँ पर रबर दी हुई है, तो जिससे क्या मोबाइल की बॉडी जो है ना अपनी वो ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छा फीचर है ये। जैसे ये जो स्टिक दी है ना, इससे हैंडल होता है पूरा कैमरा जो रहता है अपना, तो इसको जैसे थोड़ा सा स्क्रू से ढीली हो जाती है, यहीं पे ढीली हो जाएगी, इसको आप पीछे भी कर सकते हो आगे भी कर सकते हो, है ना। लगभग ये 180 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, यानी राउंड में ऐसे में, है ना। ये देखिए, और इसको एक जगह जैसे इसे पे आपको स्टिक करना है, कोई चीज़ आप नीचे ये यहाँ पे कुछ चीज़ का वीडियो लेना चाह रहे हैं, है ना, नीचे साइड के एरिया पे, तो ऐसा एंगल नीचे करके और फिर यहाँ पे उसको कस सकते हैं, है ना, ये टर्न कर करके कस आ जाता है। तो अभी हम इसको ऐसे सीधे ही रहने देंगे। अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल चल रहा है वीडियो जो है ना, और इसको जब हम वर्टिकल वीडियो बनाना हो, है ना, तो हम लोग ये एक चाबी जो दी है इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना है। तो ये जो है ये देखिए, ये मोबाइल ऐसा खड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या वर्टिकल वीडियो जो रहेंगे ये बना सकते हो आप ऐसे। अब ये वर्टिकल हो गया अपना, है ना, बहुत सारे फीचर हैं। अब इसको यहाँ पे चाबी को वापस से कस देना है कि ताकि ये इस साइड ना आए, है ना, वीडियो जब बना रहे हैं। और जब इसको चेंज करना रहेगा, यही चाबी को हम थोड़ा घुमा देंगे, स्क्रू लगे हुए हैं हर जगह, मगर बहुत ही अच्छा, इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इजीली आपको हैंडल कर सकते हो, इसको टर्न कर लेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर ये इसको कस देंगे, 360 डिग्री भी पूरा घूम जाता है, उसके लिए जो चाबी दी है ना,
इसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे, है ना, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। लूज करने के बाद ये देखिए पूरा घूमेगा ये कैमरा, किस साइड आपको घुमाना है पूरा घूम जाएगा सभी दूर से, और इतना स्मूथ जाएगा ना, बहुत ही स्मूथ होने वाला है ये चीज़ जो है। ये देखिए इसको फिर वापस से हम कस देंगे, ये चीज़ हो गई। और यही चीज़ आप ना जैसे वर्टिकल में, अभी हॉरिजॉन्टल में करा, अभी वर्टिकल में भी कर सकते हो। जैसे वर्टिकल में कोई आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे ये वीडियो बन रहा है और आपको घुमा के दिखाना है पूरा एरिया, तो ये देखिए इसमें भी मोबाइल अपना पूरा घूम जाएगा, ये पूरा 360 चलेगा, वो बहुत ही स्मूथ आने वाला है, इससे बहुत ही सही दिख रहा है। अब इसको हम थोड़ा ओपन करते, एक चीज़ बहुत अच्छी दी है इसमें, एक हाइड्रोलिक वाला दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट दिखा रहा है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे गाइस। ये जो हाइड्रोलिक वाला चीज दिया है, एक फीचर बहुत अच्छा है इसमें कि जब भी आप ऊंचे नीचे जगह पर हैं तो आप उसको स्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी ये जो डॉट दिया है बीच में जो दिख रहा होगा हल्का सा आपको, ये जो डॉट दिया हुआ है छोटा सा पानी का, वो एकदम सेंटर में आना चाहिए, जो प्रॉपर बैलेंस दे सकते हैं कि अपना कैमरा जो है बिल्कुल सही सरफेस पे स्टैंड करा हुआ है ना, स्टैंड यानी सही तरीके से खड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, वो काम में आने वाला। अब ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है, इसमें मैं अब आपको हाइट बढ़ा करके दिखाता हूँ। इसी बीच में ये जो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप से भी आप हाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मैं बढ़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वाला जो पाइप है ना, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने चाबी दी है, यहाँ ये जो चाबी है इसको थोड़ा सा लूज करना है और जस्ट आपको कैमरा को ऊपर ले लेना है। तो ये देखिए इतनी, तो ये जो बीच में स्टिक है जो पाइप है उसी से हो जाएगा, और जस्ट इसको आपको टर्न करके कस भी देना है, है ना, कसेंगे नहीं तो ये वापिस से नीचे भी आ जाएगा, है ना। जैसे मैं इसको नहीं कसूंगा ना, इसको नहीं कसूंगा तो वापिस नीचे आ जाएगा, इसको ऊपर निकाल करके आपको कस देना है, तो ये इसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं इतनी हाइट तो अभी इसकी नॉर्मली बढ़ चुकी है, अब मैं और भी हाइट बढ़ाता हूँ इसकी, ये देख सकते हैं आप, सबसे एक एक पॉइंट खोलते जाऊंगा मैं। ये जैसे देखिए ये एक स्टेज हो गई, ये इसके बाद फिर ये दूसरी क्लिप मैंने खोली है, उसमें बहुत ज्यादा हाइट ले ली इनने, इसकी जो क्लिप हुंदी है जिससे ये एक्सटेंड होगा, तो जस्ट आपको इसको बाहर साइड ओपन करना है और स्टिक अपने आप नीचे आ जाएगी, फिर इसको लॉक कर देना है, ये बंद हो जाएगा। अब ये ऊपर नहीं जाएगी स्टिक ना नीचे आएगी, ये इतनी एक खुलती है ना। अब ये ओवरऑल जो है यानी नीचे से लेके ऊपर तक की जो हाइट है कैमरे की, ये लगभग इसकी 5 फीट तक ये पूरा ओपन हो चुका है, यानी ये जो है 5 फीट आराम से 4.5 से 5 फीट जो है इसकी हाइट ओपन हुई है, और बहुत ही अच्छी हाइट है और वेट भी अच्छा है, कहीं भी आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मॉडल है ये और बहुत ही अच्छा स्टैंड है कैमरा का, हमको तो बहुत पसंद आया ये। अब इसके साथ एक बोनस हमको मिला है जो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ हमको ये बोनस जो एक छोटा ट्राइपॉड होता है वो मिला है, ये फाइबर बॉडी का है और वो मेटल बॉडी का था जो बड़ा था, ये फाइबर की हैं ये तीनों जो स्टिक उन्हें, और यहाँ पे हम जो स्टैंड है वो लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारे को क्लिप मिली थी इसमें मोबाइल लगाते हैं, तो ये क्लिप इसमें आप, ये स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू से आप इसको कस सकते हैं, इजीली कसा गया है, और क्लोजअप व्यू जो है वो बहुत अच्छा बनेगा इसमें, और कैमरा हमको या मोबाइल हमको वैसे ही लगाना है इसमें, बस मोबाइल लग पाएगा कैमरा नहीं लगेगा, ये मोबाइल के लिए ही है, मोबाइल लगा करके आप क्लोजअप शॉट ले सकते हैं, पास के जो शॉट्स होते हैं
इसमें एक चीज है मगर कि इसको आप टर्न नहीं कर सकते हैं ना, आप ये इसको झुका नहीं सकते जैसा उसमें था, ना रोटेट कर सकते हैं, ये बस क्लोजअप शॉट के लिए है। हाँ एक चीज इसमें और अच्छी है कि जैसे इसको आप ब्लॉग के लिए या सेल्फी लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे करके आप इजीली इसको ऐसे पकड़ लें और या ब्लॉग बनाना हो ब्लॉग बना सकते हैं, सेल्फी लेना हो सेल्फी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बोनस था और हमको बहुत ही अच्छा लगा, इसमें ऑफर में हमको मिला है ये। और इसकी जो कॉस्ट थी दोनों, ये जो हमने कैमरा स्टैंड बुलाया था इसकी जो कॉस्ट थी लगभग, इसकी प्राइस जो इस पर लिखी हुई है 2999 इसकी प्राइस है, और ये हमको लगभग 950 के अप्रॉक्स पड़ा था हमको, ये 950 में हमको मिल गया था। बहुत ही अच्छा, यानी जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से इसका यूजेस ना बहुत अच्छा है, वो इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें, और यूं ही आप हमारे वीडियोस देखते रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।